और उसका नाम से पूरा करेगा और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदा हमारी सुनता है। पाक आपके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Thank you.
तेरी तमजी दो। एक दिन जो यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसने बयान किया। तब उसने उसे कहा कि तुम खराब खराब जगह पे चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमद रखती और उन्हें खाना खाने की फुर्सत ना मिली। बस वो गद्दी पर बैठकर खला के बयान जगह पे चले गए और अंधेरों ने उनको जाते देखा और जाके और सब पहलों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उसने पहले जा पहुंचे और यीशु ने उतर कर बड़ा अद्भुत देखा और उसे उस पर रहम आया क्योंकि वो भेड़ों की मालिक थे जिनका चरवाहा था और वो उन्हें बहुत सी बातों की तारीफ दे रहा था। क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरा आसान
तेरी इंसानी का बाज है। खुदावन खुद आशा और दानी लेकर उन चरवाहों को भेड़ों की रखवाली करता है जो तो पुराने वक्तों में बनी इसराइल के वक्त में चरवाहे जो है वो आगे चलते हैं और भेड़े जो है वो उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि वो ऐसी ट्रेनिंग में है कि जहाँ पर उनका इंजन जहाँ पर अहमदा जहाँ पर चरवाह जाता है वो उसके पीछे पीछे जाएगा। ये हमें अच्छी जगह पर लेकर जाए, ये हमें हर जगह इलाकाओं में लेकर जाएगा, हमें राहत की नदियों के पास लेकर जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी दूसरी खिलावत में भी यही ध्यान दिया गया है कि यीशु मसीह हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है, यानी गैर लोगों को और ईमान आने वालों को खुदा एक कर देता है। इसके वसीले से यीशु मसीह के वसीले से वो स्त्री की कुर्बानी देकर पाप के पास सबको लेकर आता है, गैर लोगों को भी और ईमान लाने वालों को भी। और खुदावंद का ये काम वो एक अच्छे चरवाहे की बात है, क्योंकि वो शरीर पर अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यूहन्ना के इंजील उसके 10वें बाब में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को दान कर देता है ताकि भेड़ें जो है वो खुदावंद की निगाह तक पहुँच सके। तो आज की जीवन मुकदस में हमने सुना है कि सूर जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास जमा हुए। अगर पिछले अखबार की जीवन मुकदस हमें याद हो तो वो क्या थी कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इतने इतने करके भेजता है, दो दो करके भेजता है, और जब वो अपना काम कर चुके हैं अपनी अपनी मुलाजी करते हैं मुलाजी देखते हैं तो वो वापस उसके पास लौटते हैं। जब वो वापस आते हैं तो खुदावंद उनका हाल पूछना चाहता है, उससे उनका तजर्बा पूछना चाहता है कि उनका मुलाजी का तजर्बा जो है वो कैसा रहा। लेकिन हजूर जो है वो इस तरह से है कि वो ना दिन को उसके पीछे से हटता है और ना रात को उनके पीछे से हटता है। और जब रसूल पहुंचते हैं एक बड़ा हजूर और उनकी तरफ आ रहा है तो खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती पर सवार करके कहता है कि तुम पार हो और बड़ा आराम करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। बस वो कश्ती पर चढ़कर एक अलग बाजार जगह में चले गए और वजीरों ने उन्हें धिक्कार डाल दी और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उससे पहले जा पहुंचे। और यीशु ने उतर कर बड़ा आनंद देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो भेड़ों के मालिक ने जिनका चरवाहा ना। अगर भेड़ों का चरवाहा ना हो तो फिर क्या होता है, भेड़ें जो है वो कट जाती है, कोई अपनी राह पर जाता है, कोई उस तरफ को जा रहा है, कोई उस तरफ को जा रहा है, और जब चरवाहा ना हो तो फिर भेड़ें जो है वो हलाक भी हो जाती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा है, उस मजरूम को देखा है जो उसके पीछे आ रहा है तो उसके ऊपर तरस आता है, क्योंकि वो भेड़ों की मालिक है जिनका चरवाहे कोई जिनका रखवाले कोई जिनको संभालने वाले कोई या जिनकी रहनवाई करने वाले कोई। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देता है और जब वो तालीम देता है तो वो एक अच्छा चरवाहा अपने आप को बयान करता है कि अच्छा चरवाहा है। तो आज अगर इस तालीम पर गौर करें तो आज हमारे भी बहुत सारे चरवाहे हैं, अपने वास्ते में अपने वस्त्र में अपने ईमान में बहुत सारे चरवाहे। सबसे पहले बाबा यासर हमारा चरवाहा है जो हमें हमारी ईमानी रहनुमाई करता है, उसके बाद हमारे क्लासेस का जुबान जो है वो क्या कहलाता है, चरवाहा कहलाता है, चरवाहा कहलाता है, चरवाहा कहलाता है। और उसके बाद आपके पैरिश का जो क्लाइंट है वो क्या कहलाता है, उसके मास्टर कहते हैं, ये एक प्रीस्ट है, एक काहिन है जो आपकी रहनुमाई करता है, जो लोगों की रहनुमाई करता है। आप सब जो है वो अपने अपने कारोबारों में चरवाहे का किरदार अदा करते हैं, हर वालदैन जो है वो चरवाहे का किरदार अदा करता है कि वो अपने गधे को अपने कारोबार को अपने बच्चों को संभालता है और उनकी रहनुमाई करता है। इसलिए हर किरदार में अगर देखें तो हमें एक चरवाहा जो है वो नजर आएगा। अगर स्कूल में जाए तो वहां का एक उस्ताद जो है वो भी चरवाहा है, हर हर
थी, उसने एक हाउस को विजिट किया, उसे ओल्ड होम कहा जाता है, उसको का एक हाउस था, घर था जहाँ दूसरे लोग रहते जाते, और वो विजिट के लिए वहाँ पर पहुंची। बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पर, सफाई सुथराई बहुत अच्छी थी, और उन मजदूरों का प्यार ख्याल रखने वाले जो है वो बहुत अच्छे थे, बहुत सारे उनके वर्कर थे, काम करने वाले थे, उन्हें तीन वक्त का खाना जो है वो बहुत अच्छी तरह मुहैया होता था, उनके बिस्तर बड़े अच्छे थे। सारा कुछ देख के जब मदर ईसा ने उन बुजुर्गों को देखा कि उनके चेहरों पर रौनक नहीं है, वो हंसते नहीं है, वो मुस्कुराते नहीं है, और वो अपने दिल में परेशान, तो उसने मदर ईसा ने उस सारे अमले से पूछा कि आप उनको इतना अच्छा माहौल देते हो कि यहाँ पर सब कुछ है, ये खाना अच्छा मुहैया होता है, उनकी दुआ दुआ पूरी होती है, फिर भी ये क्यों उदास रहते हैं। मैं आई हूँ, मैंने देखा है, तो मैंने देखा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, और उस कमरे में से दो लोगों ने मदर ईसा को बयान किया कि ये इसलिए परेशान है क्योंकि ये किसी अपने को देखना चाहते हैं, और अपने जो है वो साल में शायद दो दफा या तीन दफा आते हैं, क्रिसमस पर, ईस्टर पर, या उनकी सालगिरह पर आते हैं, और उसके बाद वो उनकी कदर भी नहीं करते। तो इसी तरह अगर हम उन जगहों उन भेड़ों जो हमारी है जिनके पास हमें जाना है, जिनके पास अपनी शिकायत पर हमने करनी है, या जिनका हाल हमें पूछना है, तो उन भेड़ों का क्या हाल हो। इस तरह वो बुजुर्ग जो है वो अपनी जगह पर परेशान रहते हैं, देखते रहते हैं हमारा कोई अपना आएगा, इसी तरह शायद वो भेड़े भी जिनको हम सताते हैं, या जिनकी जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम उनको पूरा नहीं कर रहे, तो वो उन बुजुर्गों की बात है जो हमेशा उदास रहते हैं, जो अपने आत्माओं को देखना चाहते हैं, जो अपने जो रिश्तेदार हैं, जो शीश हैं, उनको देखना चाहते हैं। आए आज के इस कलाम पर गौर करें, और हम अपने अपने किरदार में चरवाहा होने का किरदार अदा करें, ताकि हम भी खुदावंद की निजात को हासिल कर सकें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भेड़ों पर रहम किया, हम भी दूसरों पर रहम करके, दस खाकर और उनकी रहनुमाई करके खुदावंद की निजात को हासिल करें, और हमेशा खुदावंद की उम्मीद करें। मसीह हमारे खुदावंद के सिला से। आमीन। दुआ करते हैं पापा यादव को, फ्रांसिस के लिए,
Oh,
वाणी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए बन के हमारे सारे कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। और जिस पर जिक्र दारों के पास भी है वो हमारे
کہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن کو جو ملایا ہے وہاں آپ کا خود دیواروں کو ہوشلا قسم کی ملائے ہمارے خدا کے جہاں کے نام کو اٹھا جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خدا کے بدلے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خدا کے بدلے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے ہمیں سلامتی رحم کر جی 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 جی
Thank you.
उनके लिए अच्छा होगा।